हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस टाइप से हमने ओप्पो के A37 में यहाँ पे फेस लॉक को कैसे इंस्टॉल करेंगे। अगर हम बात करें इसके सिक्योरिटी के बारे में गाइस ओप्पो A37 की, तो आप लोग को पैटर्न लॉक मिल जाता है, पासकोड मिल जाता है, या फिर आप लोग का जो है इसके अलावा कोई भी ऐसा लॉक देखने को नहीं मिलता जिसमें कि हमें अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी देखने को मिल जाए। और फेस लॉक तो बहुत दूर की बात है गाइस, इसमें आप लोगों को फेस लॉक भी देखने को नहीं मिलता है। बट आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस टाइप से आप लोग इसमें जो है यहाँ पे फेस लॉक इंस्टॉल करेंगे अपने ओप्पो के A37 में, एंड कुछ और डिटेल्स हम इस वीडियो में जानेंगे। तो गाइस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक सर यहाँ पे कर दीजिए। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो गाइस अभी हम बात करेंगे इसके लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग को लॉक स्क्रीन पासवर्ड देखने को मिल जाएगा, और ज़्यादा कुछ वहाँ पे आप लोग को ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं किस टाइप से आप लोग इसमें यहाँ पे फेस लॉक को इंस्टॉल करेंगे। तो फेस लॉक को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप लोग को एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, जो कि बहुत जेन्युइन एप्लीकेशन है दोस्तों। इसका लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एंड उससे पहले आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिए क्या क्या स्टेप फॉलो करना है हमें। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम अगर एप्लीकेशन ओपन कर दे तो आप लोग को कुछ पैटर्न बोलेगा, आप लोग पैटर्न अपना इंटर कर दीजिएगा। एंड थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल मिल जाते हैं। बट हमारा जो मेन टॉपिक है वो फेस लॉक का, इस पर हम क्लिक करेंगे। स्टार्ट का बटन क्लिक करना है, इस एनेबल नाउ पे क्लिक कर देना है। आप लोग कुछ डाटाबेस डाउनलोड करने बोलेगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया। ओके फ्रेंड, यहाँ पे हम इसे एनेबल नाउ पे क्लिक कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम अपना फेस डिटेक्ट कर लेते, जो कि अभी मैं यहाँ पे वीडियो को पोस्ट करके आप लोगों को बता देता हूँ अपना फेस डाल के। तो गाइस हमने यहाँ पे अपना फेस डिटेक्ट कर लिया, आप लोग भी अपना फेस डिटेक्ट कर लीजिएगा। एंड आप लोग को लो पी टाइप लॉक पे क्लिक कर देना, यहाँ पे इनेबल कर देना इसे, और ऊपर में भी आप लोग को इनेबल कर देना। वही इनेबल करने के बाद आप लोग का अभी काम नहीं होता है, आप लोग एप्लीकेशन वगैरह में भी लॉक लगा सकते हैं, जो कि मैं आगे चल के आप लोग को बताऊंगा। आप लोग स्क्रीन लॉक पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे आप लोग का आता है प्लीज़ इनेबल द ड्राइव ओवर द परमिशन। आप लोग को और भी परमिशन यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। परमिशन इनेबल करने के लिए सबसे पहले आप लोग को अपने फ़ोन के सिक्योरिटी सेंटर ओपन कर लेना है गाइस। आप लोग पूरी स्टेप फॉलो करिएगा इस, नहीं तो आप लोग हो सकता है कुछ स्टेप मिस करेंगे और आप लोग अपने फ़ोन में फेस लॉक का यहाँ पे लाभ नहीं उठा पाएंगे। एंड यहाँ पे आप लोग को उसके बाद आप लोग को एक्सप्लिटी में जाना है गाइस, एडिंग सेटिंग में जाना है, एक्सप्लिटी हमें चले जाना है। यहाँ पे कुछ बोलेगा कोड, तो हम यहाँ पे कोड इंटर कर देते जो कि आप लोग को दिख रहा होगा। सॉरी, कुछ कोड शायद गलत हो गया, AZAL, सॉरी ये भी गलत है। तो गाइस इस टाइप का कोड है, हमारा नेक्स्ट पे यहाँ पे ओपन हो जाता है। आप लोग को लो बिट एप्लॉक जो एप्लीकेशन है, हमें यहाँ से इससे परमिशन दे देना है। तो गाइस यहाँ से भी आप लोग को परमिशन जो रहता है वो अलाउ कर देना, जो कि इस टाइप से आप लोग परमिशन अलाउ कर देंगे। एंड गाइस अगर यहाँ से परमिशन अलाउ नहीं होता है, फिर ब्लॉक का कुछ ऑप्शन आता है, तो आप लोग को एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पर आप लोग आपका एप्लीकेशन ओपन करके यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे आप लोग का स्क्रीन लॉक जो आता है, आप लोग इसे यहाँ से इनेबल कर दीजिएगा एंड वहाँ से परमिशन दे दीजिएगा। अब आप लोग की एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क करेगी। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे एप्लीकेशन जैसे कि व्हाट्सएप पे लॉक लगाना चाहे, व्हाट्सएप पे लगा सकते हैं, ईमेल वगैरह, पेटीएम वगैरह, इन सब चीज़ में भी आप लोग यहाँ पर लॉक लगा सकते हैं। ये सारी एप्लीकेशन, ये सारी स्टेप फॉलो करके आप लोग इस फेस लॉक का लाभ उठा सकते हैं गाइस। एंड आप लोग ट्राई करके देखिएगा, आप लोग काफ़ी अच्छे से इसका रिजल्ट देखने को मिल जाए, जो कि मैं इसका रिव्यू बहुत बार कर चुका हूँ और मुझे काफ़ी इसका अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिला है। एप्लीकेशन लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो बट होगा कमेंट करना बोले उससे वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देंगे माता दी।